बोलते ना, गर्मी हो जाती इतनी लाइट में। हम ओके स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ, असाइनमेंट में ये वाला पार्ट है। ग्राफ पे आके अंडरस्टैंडिंग का है, ग्राफ को हम कैसे रीड करते हैं। वहां पर बेसिक चीजें, जैसे y इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट k है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टेंट k का ग्राफ अगर आपने x y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो कॉन्स्टेंट के आजकल लेक्चर बहुत कुछ मैथ्स से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फिजिक्स को मैथ से कनेक्ट करते हैं। तो घुमा के क्वेश्चन वो पूछता है कभी, तो आपको इन कॉन्सेप्ट की जरूरत हो सकती है। तो एक कॉन्स्टेंट के है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू होगी के, टू पे भी वैल्यू होगी के, एक्स इक्वल टू थ्री पे भी वैल्यू होगी के, x इक्वल टू माइनस वन पे भी वैल्यू होगी k और x इक्वल टू माइनस टू पे भी वैल्यू होगी k। तो अगर आप मिला देंगे तो इस तरह से कांस्टेंट आ गया। तो ये अगर एक लाइन जो पैरेलल है x एक्सिस के, तो उसे हम कहेंगे y टू कांस्टेंट k हो जाएगा, वो कांस्टेंट लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू एक कांस्टेंट k, अगर मान लो k इक्वल टू टू हो गया तो इसका मतलब ये लाइन टू से जा रही है, k इक्वल टू थ्री हो गया तो इसका मतलब ये लाइन थ्री से जा रही है, k इक्वल टू फोर हो गया तो इसका मतलब ये लाइन फोर से जा रही है, ठीक है। x इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट k, तो उसकी लाइन पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट k अगर 2 हो गया तो ये 2 हो गया, अगर 3 हो गया तो ये कॉन्स्टेंट 3 हो गया, ठीक है। अगर ये माइनस वन हो गया, x इक्वल टू माइनस वन, तो ये कॉन्स्टेंट लाइन माइनस वन से जारी होगी, x इक्वल टू माइनस टू हो गया ये लाइन माइनस टू से जारी होगी। तो ये कॉन्स्टेंट हो गई, कॉन्स्टेंट वाली लाइन हो गई। अभी कभी इक्वेशन सिंपल से लाइन की इक्वेशन एक सिंपल सी एक्स वाई दोनों फॉर्म में होती है, तो अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इस तरह का फॉर्मेट अगर कहीं मिल रहा है तो ये सारी लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन कैसी होंगी, इस तरह से, ये कोई लाइन होगी। तो यहां से इस लाइन से अगर कंपेयर कर रहे हो, इस लाइन से कंपेयर कर रहे हो, तो x इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू आ जाती है c, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, c हो गई, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा अल्फा हो गया तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप m हो जाएगी, तो यानी m इक्वल टू टेन अल्फा हो गया। या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर लाइन इस तरह से थे तो आप इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हो, तो यानी बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी हो गया। तो वाई इक्वल टू कितना, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस सी बाई बी हो गया। यहां स्लोप एम इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए बाई बी, एंड स्लोप एम हो गया माइनस ए बाई बी, एंड कॉन्स्टेंट क्या हो गया, सी इक्वल टू सी बाई बी। तो उस केस में ये लेंथ अब क्या हो गया, इसे वाई इक्वल टू इस लाइन को, इस लाइन को आपने वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पार्ट हो जाएगा आपका सी बाई बी, और टेन अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू जो कि स्लोप एम होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ठीक है। ये वाला पार्ट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वन, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक्स को जीरो रख दिया तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी, और y को जीरो रख दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। तो इन दोनों पॉइंट से जा रहा है ये लाइन, तो ये इंटरसेप्ट हो गया a और ये इंटरसेप्ट हो गया b, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो लाइन की जो थ्री स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको आप याद रख सकते हैं। याद कैसे रखना है, x और y की पावर वन होगी, x y का कोई मल्टीप्लायर नहीं होगा, यहां पे कहीं पर भी x इंटू y नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, और x और y की पावर वन होगी। तो अगर इस तरह से कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो एक लाइन की इक्वेशन है। ओके
पैराबोला कैसा होगा? पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये अगर आपका पैराबोला हो गया तो वाई स्क्वायर ये इस तरह से आएगा, ये पैराबोला इस तरह से आएगा। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोला ओपनिंग राइट साइड, ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, ठीक है। और अगर इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ठीक है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और ए लेस देन जीरो है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ओके, अब इस तरह से भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जब इसमें ये वाला जो कर्व जहां से वो टर्न हो रहा है ना, उस वो ओरिजिन पे होगा, ठीक है। अगर इन केस ओरिजिन पे नहीं होगा, इन केस ओरिजिन पे नहीं होगा तो एक जनरल इक्वेशन पैराबोला के लिए लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है। तो पैराबोला पहचानोगे कैसे, उसमें जो x का जो टर्म होगा वो मैक्सिमम होगा 2, और फिर एक x की पावर 1 हो सकती है, अब वो 0 भी हो सकती है, प्लस एक कांस्टेंट c हो सकता है, प्लस एक कांस्टेंट c भी हो सकता है। तो इन दिस केस हमने c नहीं लिया, तो अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो आ गया, एंड x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस फोर। अब यहां एक्स स्क्वायर का जो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, 1 है क्या, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर पैराबोला 0 से पास हो रहा होगा, जब वाई 0 होगा तो वो 0 से पास हो रहा होगा, माइनस 4 से पास हो रहा होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर है पॉजिटिव, जिसका मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, तो ये हो गया वो पैराबोला इस पॉइंट पे। तो यहां पे पैराबोला थोड़ा शिफ्ट हो गया ना नीचे, तो ये कैसे पता चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस उस पैराबोला को कहां पर काट रही है, ठीक है। एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ ऑफिस में हूँ, आ जाइए आप, मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके, नॉट इश्यू। एक मिनट दीजिए बेटा, एक मिनट दीजिए, एक मिनट। बेटा एक मिनट, एक मिनट मुझे दीजिए, जरा कैमरा हैंग हो गया, एक मिनट दीजिए।
बोर्ड क्लियर है क्या? बोर्ड क्लियर है? ओके ठीक है, तो पैराबोला की इस इक्वेशन याद रखनी है। इसमें ज्यादा नहीं कर रहे हम लोग, बस थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले ले रहे हैं। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर निगेटिव होता, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर यहां पे कितना होता मान लो इस तरह से होता -1, तो यहां पे अगर वाई इक्वल टू जीरो पुट करते तो कितना होता 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या हो जाता x इक्वल टू जीरो एंड 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या हो जाता आपका यहां जाता x इक्वल टू 4। तो उस केस में पैराबोला का एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर निगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड होता, और किस पॉइंट से x किस पॉइंट पे काट रहा होता, जीरो पे काट रहा होता एंड 4 पे काट रहा होता, तो उस केस में पैराबोला आपका ओपनिंग डाउनवर्ड इस तरह से। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है जीरो और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 4। ओके तो इतना याद रखना है आपको, बेसिक मैथ से आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है, इन सब की जरूरत पड़ती रहती है। ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया था, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन का ग्राफ दे रखा होता है ना बेटा उसमें, तो जैसे वेलोसिटी टाइम दे रखा है वी इक्वल टू 3t, वी इक्वल टू 3t ग्राफ ये दे रखा है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, तो टी को मानोगे इस साइड एक्स एक्सिस हो गया टी और वाई एक्सिस की तरफ क्या हो गया वी, ठीक है, तो अभी वी इक्वल टू 3t का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी डायग्राम, तो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी हो गई जीरो, टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड और टी इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप यहां ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस तरह से आ जाएगा, वेलोसिटी डायग्राम आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो वी को अगर वाई रख दोगे और टी को एक्स रख दो तो वाई इक्वल टू 3x, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है ना, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो वहां पे भाई ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ओके ओके अगर मान लो उसने बोला होता वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इसका वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना था, ये टाइम हो गया ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होती 5 होती, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 5 होती, टी इक्वल टू 2 पे भी 5 होती, तो यहां पे क्या होता ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ओके तो यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ आ गया, ठीक है, अगर इस तरह से हो जाता वी इक्वल टू 2t स्क्वायर, अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना होता तो यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, टाइम टी हो गया ये वेलोसिटी वी हो गई, ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 0, टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक्चुअली में कैसा ग्राफ आ रहा है पैराबोलिक ग्राफ आ रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले को आप वाई ले लो और राइट साइड वाले को आप एक्स ले लोगे, तो आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। अब वो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बोल देगा, तो अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बोल दिया तो आप एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में भी इसी तरीके से देख लो, यानी मैथ्स के टर्म में जब आप बात कर रहे हो तो वाई एक्सिस पे आप एक क्वांटिटी ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे आप दूसरी क्वांटिटी ले रहे हो, डिपेंड ऑन द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन टू यू, तो एक्सीलरेशन अगर ए इक्वल टू उसने दे रखा है 2t, तो एक्सीलरेशन 2t, तो अब इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है उसने, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को वाई को आपने मान लिया ए और x को मान लिया आपने t, तो t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितना हो गया 0, t इक्वल टू 1 पे एक्सीलरेशन कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पैराबोला आ गया, ठीक है। अब यहां से आपको कुछ भी निकालने को कह सकता है, बोलता कि मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकेंड तक
इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू टू सेकेंड तक व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू जीरो दे रखी है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, करा चुका हूं मैं आपको ये, एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो व्हाट इज द डीवी, डीवी इक्वल टू ए डी टी, अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दिया तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, और t इक्वल टू टू सेकेंड पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, t इक्वल टू टू सेकेंड पे वेलोसिटी मैंने मान लिया v हो गई, तो ये इंटीग्रेट होकर क्या देगा आपको, v देगा, इसकी लिमिट रखोगे यहां पे जीरो से लेके v तक, और ये a, अब a को t के टर्म में लिखोगे कितना हो जाएगा, टू टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम जीरो टू टू, ठीक है। तो टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी जीरो से लेके टू, तो ये कितना हो जाएगा, टू टी स्क्वायर बाई टू जीरो से टू, टू से टू कट गया, तो टी स्क्वायर जीरो से लेके टू, तो ये कितना हो जाएगा, फोर माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा फोर। तो व्हाट इज द वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा वी इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज दिस चेंज इन वेलोसिटी, इज द एरिया अंडर द कर्व एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू आ गई ना फोर, तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने आपको बताया था, क्लियर है, इतना क्लियर है। ग्राफ के टर्म में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे उसको समझ पाओगे कि कहां पर क्या है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके, अभी यहां पे मैं कुछ ग्राफ खींच रहा हूं, उसका मतलब आपको बताना है कि उसका मतलब क्या निकलना है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ए टी ग्राफ दे रखा है, ग्राफ है इस तरीके से यूं, इसी टी पर, टी पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, कि टाइम बढ़ रहा है और एक्सीलेशन टी इक्वल टू जीरो पे एक्सीलेशन कितना था, जीरो, टी इक्वल टू वन पे भी एक्सीलेशन जीरो रहा, टी इक्वल टू टू पर भी एक्सीलेशन जीरो रहा, टी इक्वल टू थ्री पर भी एक्सीलेशन जीरो रहा, टी इक्वल टू फोर पर भी एक्सीलेशन जीरो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सीलेशन जीरो का ग्राफ है ये, ठीक है। तो एक्सीलेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, कि अगर एक पार्टिकल है तो उसका एक्सीलेशन जीरो है, एक्सीलेशन जीरो से अब यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं, या तो पार्टिकल रेस्ट पर है, या तो पार्टिकल रेस्ट पर है उसकी स्पीड जीरो है, या फिर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है तो उसका एक्सीलेशन जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो यू जीरो है या यू उसका कॉन्स्टेंट के है, ठीक है। इस ग्राफ से हमको यह पता चलता है। सेकेंड ग्राफ हम यहां पर लिख रहे हैं, सेकेंड ग्राफ में ये इस तरीके से बोलना है कि एक्सीलेशन ए इस साइड है, एक्सीलेशन ए इस साइड है, तो टी इक्वल टू जीरो पर एक्सीलेशन ए, ये मान लेते हैं के हो गया, तो एक्सीलेशन कितना हो गया के, टी इक्वल टू वन पर भी एक्सीलेशन के, टी इक्वल टू टू पर भी एक्सीलेशन के, टी इक्वल टू थ्री पर भी एक्सीलेशन के, टी इक्वल टू फोर पर भी एक्सीलेशन के, तो एक्सीलेशन के यानी एक्सीलेशन ए इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन है ये। तो अभी क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है और उसका वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है। अगर इसका इनिशियल स्पीड u हो गई तो टाइम t बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाल दोगे, ठीक है। अगर u जीरो है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी, तो इस टाइम पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ए टी हो गया, इस टाइम पे उसका एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी, ओके। क्लियर, और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो यहां से, ग्राफ देख के आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दोगे, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ठीक है, इतना चीजें निकल सकती हैं यहां से, ओके। सेकेंड ग्राफ यहां पे बताया है, यहां पे उसने इस तरीके से सेकेंड ग्राफ एक और ड्रॉ किया है वहां पे, तो उसने इस तरह से बताया,
कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में यहां पर ग्राफ इस तरीके से, तो t इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन कितना हुआ, कुछ उसकी वैल्यू होगी माइनस के पॉजिटिव हो गया, t इक्वल टू वन सेकंड पे भी उसकी वैल्यू होगी माइनस के, t इक्वल टू टू सेकंड पे भी उसकी वैल्यू होगी माइनस के, t इक्वल टू थ्री सेकंड पे भी उसकी वैल्यू होगी माइनस के, t इक्वल टू फोर सेकंड पे भी उसकी वैल्यू होगी माइनस के। तो एक्सीलरेशन इज निगेटिव, आपका जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव है, इसका मतलब जो ब्लॉक है उसमें निगेटिव साइड में एक्सीलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इनिशियल ब्लॉक की वेलोसिटी u इस साइड है तो इसका मतलब ब्लॉक रिटार्डेशन में, और अगर इनिशियल स्पीड ब्लॉक की उस साइड नहीं है, इधर है और एक्सीलरेशन भी इधर लग रहा है, तो ब्लॉक निगेटिव साइड में आपका एक्सीलरेट होता हुआ जा रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस में। ओके, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, दूसरा वाला एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे दे रखा है, यूं दे रखा है ये, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ यहां पे इसने दे रखा है, ये हो गया थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे हो गई कांस्टेंट के हो गया, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि t इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन जीरो था, t इक्वल टू वन पे एक्सीलरेशन आ गया a, t इक्वल टू टू पे एक्सीलरेशन आ गया और कुछ बढ़ गया, t इक्वल टू थ्री पे एक्सीलरेशन और कुछ बढ़ गया, t इक्वल टू फोर पे एक्सीलरेशन और कुछ बढ़ गया। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कॉन्टिन्यूस उसका इंक्रीज होता जा रहा है, एक्सीलरेशन उसका कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व यहां पे निकाल लोगे आप, तो दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर द कर्व a इक्वल टू व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, एक मिनट दीजिएगा बेटा, एक मिनट, एक मिनट दीजिए। ओके, ओके, तो 80 ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, डेल्टा v एंड दैट इज द v फाइनल माइनस v इनिशियल। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो इनिशियल आप जीरो रख दोगे, इनिशियल वेलोसिटी उसने बोल दिया कि कुछ है 5 10, तो आप वहां पे 5 या 10 या 2 जो भी उसने गिवन क्वेश्चन में दे रखी है वो आप वहां पे रख सकते हो, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर उसने क्वेश्चन में वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या पता कर सकते हो ये देख लीजिए, वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो v इक्वल टू ऐसे दे रखा है, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसका मतलब वेलोसिटी y एक्सिस में हो गया और टाइम x एक्सिस में हो गया, ठीक है, और उसने इस तरह से दे रखा है, ये लाइन दे रखी है। तो एक बात बहुत क्लियर है बेटा कि t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पे उसने एक वेलोसिटी गेन कर रखी है ग्राफ में,
ग्राफ एक लाइन जो है यहां पे कट कर रही है, तो यहां पे वी नॉट इसकी वेलोसिटी हो गई, और जैसे ही टाइम आपने बढ़ाया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फिर आपने टाइम आगे गया, जैसे ही आपने टाइम और आगे गया टाइम में, तो आप उसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है। इक्वल टू जीरो पे उसकी कोई वेलोसिटी थी, और जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कर रहे हो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो कम मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल में एक एक्सीलरेशन है। तो वीटी ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन अब कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर जो एंगल अल्फा आ गया, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, और वही उसका एक कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ए नॉट हो गया। ठीक है, अगर दूसरा वीटी ग्राफ इस तरह से दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दे रखा है, यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, तो टी इक्वल टू जीरो पर उसमें एक वेलोसिटी थी वी नॉट। ठीक है, टी इक्वल टू टू पर यहां पर, टी इक्वल टू वन पे वेलोसिटी होगी, टी इक्वल टू थ्री पर, यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रही है। तो यहां से मैं एक बात तो बोल सकता हूं, ये एक्सीलेटिंग मोशन है, लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलेशन का मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसका स्लोप अलग अलग है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आएगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आएगा। तो ऑफकोर्स अगर ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो साफ साफ दिख रहा है थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, इसको पॉइंट टू ले लेता हूं मैं, इसको पॉइंट मैं वन ले लेता हूं, तो ऑफकोर्स ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बेटा, मैं मैथ्स में कैलकुलस में बता चुका हूं कि इस टेंजेंट का स्लोप होगा डी वी ओवर डी टी। तो वही हो जाएगा टेन अल्फा की वैल्यू, वही हो जाएगा स्लोप, और डी वी ओवर डी टी को ही तो आप एक्सीलेशन कहते हो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उसका एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के में एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, जैसे आप एरिया अंडर द कर्व देख रहे हो ना, तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना होता है, डी एस ओवर डी टी। वॉट इज द डी एस, डी एस इक्वल टू वी डी टी, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो यहां से आ जाता है डेल्टा एस इक्वल टू वी डी टी, डेल्टा एस इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यानी या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टू। तो एरिया अंडर द कर्व इन वी टी ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट। वहां पे सारे ग्राफ के सारे केसेस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है क्वेश्चन पढ़ के। केस क्या है, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड उसने प्रोजेक्ट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, एक पार्टिकल है उसको इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, टेक द प्रोजेक्शन पॉइंट एज अ ओरिजिन, आपको इस पॉइंट को आपको ओरिजिन लेना है। ठीक है, एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ वाली जो जितनी भी वैल्यू है
वो पॉजिटिव लेने, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी की वैल्यू निगेटिव हो गई, जी नीचे की तरफ तो निगेटिव ले लिया। पोजिशन वर्सेस टाइम, पोजिशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ओके अब इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया उसको। ओके तो ये किसी हाइट h पे पहुंच रहा है मान लेते हैं, तो व्हाट इज द h, h को मैं बोल देता हूं s, तो s इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे आप, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया, तो s इक्वल टू क्या हुआ, ऊपर की तरफ u हो गया पॉजिटिव, टाइम t तो पॉजिटिव रहता है, a कितना हो गया माइनस g, तो g बाई टू इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, g बाई टू इंटू टी स्क्वायर। अब ऊपर के इस डायरेक्शन को आपको क्या लेना है, इसको लेना है आपको s, तो ये क्या हो गया y की तरह रिएक्ट करेगा, और ये टाइम t इस साइड हो गया, और इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गया s इक्वल टू यू टी माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, तो s में t कॉमन ले लिया, u माइनस जी बाई टू इंटू टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके तो अब इस इक्वेशन को गौर से देखो बेटा, अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, s इज प्रोपोर्शन टू मैक्सिमम पावर ऑफ t स्क्वायर निगेटिव, माइनस जी बाई टू है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये निगेटिव हो गया ना t स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और कितनी वैल्यू से जा रहा है, ये जा रहा है t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू 2u by g, तो यहां से अगर आपने t इसको जीरो किया तो t इक्वल टू जीरो आता है, और दूसरा कितना आ जाएगा, u माइनस जी बाई टू इंटू टी इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u by g, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2u by g और t इक्वल टू जीरो, और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ग्राफ हो गया आपका इस तरीके से, तो एस टी ग्राफ क्या हो जाएगा, एस टी ग्राफ हो जाएगा आपका पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड एंड t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू टू यू बाई जी, पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ये समझ में आया क्या पॉइंट, मुझे लगता है फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए इसे तुम्हें, ये समझ में आया क्या, समझ में आ गया दास गुप्ता। ओके बेटा थर्ड पर्सन जो है, ओके वेदांती ठीक है, एस टी ग्राफ ये हो गया। सेकेंड पूछ रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के लिए क्या, यानी वीटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो वीटी में आपको रिलेशन चाहिए होगा, वेलोसिटी टाइम में आपको रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका किस स्पीड से, यू की स्पीड से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने क्या किया, ये हो गया आपका वेलोसिटी वी, ये हो गया आपका टाइम टी, तो किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, v इक्वल टू कितना होगा, u प्लस at फॉर्मूला लगाओगे, तो v इक्वल टू u ऊपर की तरफ है तो u हो गया पॉजिटिव, a नेगेटिव तो माइनस जी टी हो गया, माइनस जी टी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इस पॉइंट पे आया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब टॉप अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी भी जीरो, तो इनिशियल उसके t इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, t इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया, तो t इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, पॉजिटिव थी ना u, ठीक है, t इक्वल टू जैसे ही वन सेकेंड रखा तो उसकी वेलोसिटी कितना हो गया, u माइनस जी टी, तो एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में निगेटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो गई, तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू वन पे उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी निगेटिव, t इक्वल टू पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी और कम और कम, तो यहां से हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, t इक्वल टू t, अभी देखो वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो रखोगे, वेलोसिटी v इक्वल टू जीरो यहां पर रखा ना आपने, तो t इक्वल टू यू बाई जी पे उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। ओके अब जब हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर आ गया, उसके बाद
उसके बाद ये नीचे आना चालू करेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी ना, निगेटिव हो जाएगी। तो उसके बाद कैसे आएगा, जब निगेटिव आएगा तो क्या हुआ, टाइम जब बढ़ेगा, टाइम जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी इनिशियली थी जीरो, तो इसको मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इनिशियली थी जीरो और फिर v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो मैं कहां से लगा देता हूं u माइनस जी टी, जब वो हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो t इक्वल टू अभी ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये कौन सा टाइम हो गया, ये टाइम हो गया आपका t इक्वल टू u बाई जी। अब u बाई जी से थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ेगा, मान लो तो क्या होगा, माइनस जी टी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, u में से माइनस जी टी, अभी u माइनस जी टी जीरो हुआ था कब, जब t इक्वल टू u बाई जी था, अब t u बाई जी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू ज्यादा निगेटिव हो जाएगी कंपेयर टू दिस, ये वैल्यू ज्यादा निगेटिव हो जाएगी कंपेयर टू दिस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव हो गई इस साइड, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैल्यू निगेटिव होती जाएगी, निगेटिव होती जाएगी, और फिर जब आके यहां पे हिट कर जाएगा तो ये कौन सा टाइम होगा, ये होगा टाइम आपका 2u बाई जी, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो इसको नीचे आने में लगेगा, तो t इक्वल टू 2u बाई जी पे ये यहां पर हिट हो जाएगा, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी यहां पर कितनी हो जाएगी, v निगेटिव। व्हाट इज द vt ग्राफ, दिस इज द vt ग्राफ, ठीक है। अभी यहां पे साफ दिख रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, तो इस साइड का ऊपर का एरिया आपने लिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया लिया निगेटिव, तो इस एरिया को ये एरिया, ये निगेटिव एरिया इक्वल टू पॉजिटिव एरिया, तो जीरो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, BT ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आएगा, जीरो आएगा ना, देखो पार्टिकल यहां से चला यहीं पे आ गया वापस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जीरो, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जीरो, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट उसने बोला एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखो क्या हुआ, अभी देखो यानी पार्टिकल को जब तुमने थ्रो किया था ऊपर, तो जी डाउनवर्ड था, जब वो ऊपर जा रहा था तब भी जी डाउनवर्ड था, यहां पे भी आ गया, जब पार्टिकल रुक गया तब भी जी डाउनवर्ड था, और पार्टिकल जब नीचे आ रहा था तब भी जी डाउनवर्ड था, ठीक है। तो जी का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा एक ही रहा, तो अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, इन केस आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, तो ए टी ग्राफ हो गया, ये ए टी ग्राफ हो गया, तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन कितना था, -9.8, नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लिया ना, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी इक्वल टू वन पे भी -9.8, टी इक्वल टू टू पे भी -9.8, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहा ना बेटा, हर पॉइंट पे वो जी ही रहा, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हो, कांस्टेंट आप पैरेलल टू एक्सिस से ड्रॉ करते हो, ठीक है, ओके। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ओके, सेम क्वेश्चन को करना है, जब पार्टिकल को एक बिल्डिंग से थ्रो किया गया,
पार्टिकल को एक बिल्डिंग से थ्रो किया गया, ठीक है, ठीक है, आप लोग ड्रॉ करो इसको, पार्टिकल को एक बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, ओके, तो ये कुछ ऊपर जाएगा ऐसे और फिर नीचे यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ओके, इसको मैं मान लूं रेफरेंस पॉइंट, ये वाले पॉइंट को मैं मान लूं रेफरेंस पॉइंट, तो आपको बताना है व्हाट इज द एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ ड्रॉ करो, पहले आप लोग ड्रॉ करो, कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं एसटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। वेदांति ड्रॉ हुआ क्या एसटी ग्राफ? सोनक शैली ड्रॉ हुआ क्या ग्राफ? ड्रॉ हुआ ड्रॉ करूं क्या मैं?
ये बिल्डिंग है हाइट एच की, मैं ड्रॉ करूं। बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया गया है, ठीक है। ओके सुनो, एच टी ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, तो ऑफ कोर्स एच टी ग्राफ के लिए मैंने ये ले लिया आपका एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस। ओके तो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट को मैंने यहां पे ओरिजिन कंसीडर कर लिया, तो इसको यू की स्पीड से ऊपर फेंका गया, तो एस इक्वल टू व्हाट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे यहां से। एस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अभी एस पॉजिटिव हो गया, यू भी ऊपर की तरफ है तो यू टी, अब जी नीचे की तरफ है तो माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है एस प्रोपोर्शन टू माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, इसका मतलब इसको अगर आपने ओरिजिन लिया है तो एक पैराबोला बनेगा और पैराबोला में ये टी स्क्वायर का मल्टीप्लायर है निगेटिव, तो वो हो जाएगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये इस तरीके से आएगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, और इस पॉइंट का कब हिट करेगा, जब पार्टिकल यहां से रिटर्न हो रहा होगा ना, इस पॉइंट पे पहुंचा होगा इस पॉइंट पर, तो ये वाला पॉइंट यहां पे एक्स एक्सिस पे आ गया। देखो क्या हुआ, ओरिजिन के लेवल पे आ गया ना, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर से अभी और नीचे आएगा, तो इसी क्वेश्चन को फॉलो करता आएगा ना, एस प्रोपोर्शन टू माइनस जी टी स्क्वायर, तो पैराबोला के इसी पाथ को फॉलो करेगा और फिर वो नीचे आएगा। तो दिस इज द एस टी ग्राफ, दिस इज द एस टी ग्राफ। बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया ये बहुत कॉन्सेप्चुअल हो गया, ठीक है। ये निगेटिव वाला पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई उसे हाइट एस से फेंका गया था ना, वो सेम लेवल पे आएगा यहां पर कितने टाइम पे, टू यू बाई जी, टू यू बाई जी टाइम पे आएगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, यू बाई जी पे हाईएस्ट पहुंचेगा, टू यू बाई जी पे वो रिटर्न आ रहा होगा, यहां से सेम लेवल पे आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये आगे ही जाएगा ना बेटा, आगे ही जाएगा पैराबोला को फॉलो करता हुआ, पैराबोला को फॉलो करता हुआ, तो एस टी ग्राफ हो गया ये, एस टी ग्राफ हो गया ये, ठीक है। और कहां जाके हिट करेगा, जाके हिट करेगा माइनस एच पर, माइनस एच पर, माइनस यहां से नीचे माइनस एच डिस्टेंस है ना, तो एस इक्वल टू जब माइनस एच हो जाएगा तो वो पैराबोला का जाते हुए उस पॉइंट पे जाके हिट कर जाएगा पार्टिकल को माइनस एच पर। क्लियर है, क्लियर है, ओके क्लियर है ना, ओके अरे सॉरी मैंने क्वेश्चन साफ कर दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ठीक है। तो जब इसको आपने ऊपर फेंका तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा दिया, तो t इक्वल टू जीरो पे क्या हुआ, वेलोसिटी u हो गई, t इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी हो गई u, ठीक है। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एक्सीलेशन, ये कितना है, a इक्वल टू माइनस जी पुट करोगे तो माइनस जी टी, अरे एक्सीलेशन नीचे की तरफ है ना, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे के डायरेक्शन को आपने निगेटिव माना है, तो हो जाएगा माइनस जी, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, v को अगर y रख दिया और u रख दिया यहां पे, g हो गया और t को x रख दिया, तो y प्रोपोर्शन टू माइनस माइनस जी एक्स हो गया ना, तो इसका मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करोगे तो व्हाट इज द c, c इक्वल टू u एंड m इक्वल टू माइनस जी, m इक्वल टू माइनस जी, तो क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पे ये ग्राफ का स्लोप होगा निगेटिव, तो निगेटिव स्लोप कैसे हो गया, ऐसे, ठीक है, ठीक है। जब वेलोसिटी, अब इसकी स्पीड जीरो कब होगी, जीरो तब होगी जब ये पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, फिर उसके बाद इसकी स्पीड इंक्रीज करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी, इंक्रीज करने लगेगी, तो यहां से इंक्रीज होती हुई यहां पर आई, ठीक है।
अब यहां पर रुकेगी नहीं, आगे ग्राफ बढ़ जाएगा और आगे, यानी ये कौन सा टाइम था, ये टाइम था U बाई जी, और फिर इस पॉइंट पे दोबारा वो कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, 2U बाई जी पर आएगा ना, 2U बाई जी पर आएगा ना, और फिर इसके बाद वो रुकेगा नहीं ना, हाइट से फेंक गया तो नीचे जाएगा, तो इसे ग्राफ इसी को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ जाएगा। दिस इज द वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके ओके, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बहुत ही सिंपल, एक्सीलरेशन तो हर टाइम पे निगेटिव था ना और कांस्टेंट था, ठीक है, एक्सीलरेशन तो हर टाइम पे पार्टिकल में निगेटिव जी लग रहा था और वो हमेशा कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपका कैसे हो जाएगा, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, जी टी ग्राफ इज, यानी ए टी ग्राफ इज वॉट, माइनस जी, ठीक है, माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सॉरी 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 एग्जाम्पल नंबर थर्ड फोर्थ, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलेटेड यूनिफॉर्मली फॉर द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द 5 सेकेंड एंड देन मूव विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड एक्वायर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट एक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड देन कम टू द रेस्ट विद अ रेट ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक कार है, क्वेश्चन देख लीजिए उसका, एक कार है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सीलरेशन जा रही है, तो पहले मोशन समझ लो, मोशन समझ लो, यहां से कार स्टार्ट हुई, ठीक है, पॉइंट ए से कार स्टार्ट हुई, पॉइंट ए से कार स्टार्ट हुई, ठीक है, ठीक है, और बी तक वो गई कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, बी तक वो कहां से गई, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, ठीक है, फिर यहां पर उसने एक स्पीड गेन कर ली होगी v, ठीक है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गई, तो नेक्स्ट 5 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गई, और फिर 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के रिटार्डेशन से कहीं पर जाके वो रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। ओके, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली 2 मीटर फॉर 5 सेकंड, तो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में उसका एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड यू इसकी थी 0, ठीक है, और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो था 5 सेकंड का, ठीक है। अब यहां पर वी कितना हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना लगा दोगे, वी इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला लगाओगे, बी पर, बी पर आप क्या लगाओगे, बी पर आप क्या लगाओगे, बी इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल स्पीड होगी 0, ए कितना हो गया 2 एंड 5, तो v इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर जो इसकी स्पीड थी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से वो b से लेके c तक, b से लेके c तक उसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का, ठीक है, और c से लेके d तक वो रिटार्डेशन में रहा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे रिटार्डेशन में कितना टाइम लगेगा, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी स्टॉप होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0, यहां पे स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड होगी ना बेटा, यहां से कांस्टेंट थी स्पीड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, फाइनल स्पीड होगी 0, तो अगेन v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दोगे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी होगी 10, रिटार्डेशन हो गया 2, टाइम हो गया, तो t इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकेंड, तो इसका मतलब यहां से यहां तक उसको कितना लगा टाइम, t इक्वल टू 5 सेकेंड अगेन, तो इसका मतलब यहां पे भी 5 सेकेंड लगा, यहां पे भी 5 सेकेंड लगा, यहां पे भी 5 सेकेंड लगा, यहां पर भी 5 सेकेंड लगा और इस पॉइंट पे भी 5 सेकेंड लगा, ठीक है। अब इसको देख के तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है इसमें, केवल ग्राफ ड्रॉ करना है, पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो पहला पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या हुआ, एस टी ग्राफ, एस टी ग्राफ, ठीक है, तो ए से लेके बी तक एक्सीलरेटिंग मोशन था ना, तो ए हो गया इनिशियल पॉइंट जब उसकी पोजीशन भी 0 थी, ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या करोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई 0, तो एस इक्वल टू कितना हो गया 0 इंटू टी प्लस इनिशियल एक्सीलरेशन हो गया 2/2 इंटू टी स्क्वायर, तो एस प्रोपोर्शन टू एस इक्वल टू टी स्क्वायर, एस इक्वल टू टी स्क्वायर इज अ पैराबोला,
एस इक्वल टू टी स्क्वायर इज ए पैराबोला, ठीक है, एस इक्वल टू टी स्क्वायर इज ए पैराबोला एंड वॉट इज द मल्टीप्लायर ऑफ द टी स्क्वायर, वन एंड दैट अ पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले पैराबोला आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी से क्या हो रहा है, पॉइंट बी से हो रहा है, पॉइंट बी से सी, बी से सी जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 5, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया 5 सेकेंड, और 5 से लेकर 10 सेकेंड तक 50 मीटर स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू 10 × t, तो यहां पे क्या दिख रहा है, s प्रोपोर्शन टू t दिख रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो ये हो गया इस तरीके से, ये किस पॉइंट पे पहुंच गया, c पर, और डिस्प्लेसमेंट अभी कितना हो गया, यहां पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t ये हुआ था 25, ठीक है, उसके बाद 25 के बाद 10 और इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 35, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद रिटार्डेशन हुआ है, इसके बाद रिटार्डेशन हुआ, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, तो रिटार्डेशन हुआ है, तो अभी क्या करोगे, इस ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, अब बी से लेके सी तक के मोशन को डिस्कस करना है, बी से लेके सी तक के मोशन को डिस्कस करना है, तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, तो एस व्हाट इज द यू, इनिशियल स्पीड 10, टी माइनस ए व्हाट इज द एक्सीलरेशन 2/2 × t² एस इक्वल टू 10 t - t², तो एस प्रोपोर्शन टू माइनस टी स्क्वायर, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां पर बेटा सावधान हो जाइए, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड आप ऐसे भी कर सकते हो, गलती कर सकते हो ना, एस प्रोपोर्शन ऐसे भी कर सकते हो ना, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये पैराबोला भी तो ओपनिंग डाउनवर्ड है, अब कौन सा यहां पर होगा, देखो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंचा तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा था ना, तो इस केस में अगर आपने ये वाला ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका कम होने लगा ना, लेकिन अभी भी कार रुक रही है, लेकिन जा तो आगे रही है, तो इस पॉइंट पर जाके रुकी तो डिस्प्लेसमेंट इतना इंक्रीज हुआ ना, तो ऑफकोर्स पैराबोला इस केस में आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पैराबोला लेना पड़ेगा, निगेटिव है ना, ये निगेटिव है एस प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो कौन सा पैराबोला लोगे, दिस इज द पैराबोला जिसका ये वाला पार्ट लोगे, इस पॉइंट पे जाके वो रुक गया, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, यानी पहले पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, फिर कॉन्स्टेंट लाइन और फिर डाउनवर्ड, समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया, दास गुप्ता, वेदांती, शैली, समझ में आया, ठीक है बेटा, इसमें रिवीजन है, ये नोट्स आप ले जाओगे घर यानी ऑफिस से ले जाओगे, कलेक्ट कर लोगे तो बहुत ही इजी से समझ में आएगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। अब उसने उसका सेकंड पार्ट क्या पूछा है, उसका सेकंड पूछा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बहुत ही सिंपल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ,
ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, वीटी ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया होगा, तो मैं अभी देखता हूं यहां पे कितना कैसा है आपका वीटी ग्राफ। ठीक है, ए से लेके बी तक उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड की। ए से लेके बी तक उसकी स्पीड कांस्टेंट थी 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी लाइन ऑरिजेंटल होगी 10 मीटर पर सेकंड। और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज करने लगी, तो v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला लगाया आपने, तो v इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी होगी 10 माइनस 1t, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस t, तो इसका मतलब क्या हुआ v प्रोपोर्शन टू माइनस t हो गया। तो इस केस में लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली और फाइनली ब्लॉक स्पीड जीरो हो गई। दिस इज द vt ग्राफ। ठीक है, व्हाट इज द st ग्राफ? एसटी ग्राफ, व्हाट इज द एसटी ग्राफ? तो एसटी ग्राफ के लिए क्या करोगे, एसटी ग्राफ के लिए आप ड्रॉ करोगे, तो यहां से ए से लेके बी तक क्या हो गया इक्वेशन, एस इक्वल टू हो गया आपका 10 इंटू टी, तो ये होगी लाइन इस तरीके से 10t। अब कहां तक जा रहा है ये, तो t इक्वल टू 20 सेकंड तक गया ना ये, 20 सेकंड तक, तो 20 सेकंड पे उसका कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट एस, एस हो जाएगा एस इक्वल टू 200, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, उसके बाद वो रुकने लगा, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, ग्राफ का कर्व नेचर निकाल लेना, तो आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एस इक्वल टू यू कितना था 10t, रिटार्डेशन था 1/2 इंटू टी स्क्वायर, तो एस प्रोपोर्शन टू माइनस टी स्क्वायर हो गया क्या, तो अभी क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो फिर वही प्रीवियस क्वेश्चन की सिचुएशन आ गई कि माइनस टी स्क्वायर पैराबोला ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी, देखो बेटा ये पैराबोला तो ओपनिंग डाउनवर्ड है ना, ऐसे भी जा सकता है, तो कौन सा लोगे, ऑफ कोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो दिस इज द पार्ट, ये वाला पैराबोला लोगे, और फाइनली वो क्या हो गया यहां पर आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये आपका यहां पर ये वाला डिस्प्लेसमेंट, अगर ये एस नॉट हो गया ये आपकी वैल्यू एस नॉट आ गई। ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा सा और साफ ड्रॉ कर देता हूं, ओवरलैप कर गया वहां पे, ओवरलैप कर गया वहां पे, तो मैं इसको साफ क्लियर यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो एस पहले क्या हुआ, पहले वो कांस्टेंट हुआ, तो दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया, कहां के लिए, बी और सी के बीच में, यू इज द 10t माइनस 1/2 t स्क्वायर, तो s प्रोपोर्शन टू माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ, ये क्लियर 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 है, ओके। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल मिलते हैं, चलिए बाय।